क्या होता है जब टालुइन को CrO2 Cl2 से ऑक्सीकृत किया जाता है? टालुइन को जो है ना, इनकी उपस्थिति में आप क्या करोगे, ऑक्सीकृत करोगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा? तो टालुइन का ये फार्मूला है, आप लोग को मालूम है कि बेंजीन में जो है आप CH3 समूह को जोड़ दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, टालुइन हो जाएगा। और इसको जो है ना आप किनकी उपस्थिति में, CrO2 Cl2 की उपस्थिति में क्या करोगे, ऑक्सीकृत करोगे। जब आप इनका ऑक्सीकृत करोगे तो आपको मुख्य उत्पाद के रूप में बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो याद रखना, टालुइन का जो है आप CrO2 Cl2 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करा तो हमें मुख्य उत्पाद के रूप में बेंजल्डिहाइड प्राप्त हुआ। इनका आंसर में आप लिखोगे, टालुइन को CrO2 Cl2 से ऑक्सीकृत किया जाता है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो बाबू आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, उन बाबू से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।